थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम रेती बंदर से करीब जो मुंब्रा परिसर को जो रास्ता जाता है, और ये आप देख रहे हैं कि इस ब्रिज का काम चल रहा है, रेलवे ट्रैक को सटे हुए में जो वाई जंक्शन को जाके ये रास्ता कनेक्ट होता है, जिसमें देखा गया था कि हाल ही में 2019 से 2021 के करीब में इस ब्रिज का काम हुआ था। आप देख सकते हैं कि अभी 2023 नहीं आते आते देखा गया कि दोबारा से इस ब्रिज का काम हो रहा है। यानी देखने वाली बात यह कि जो जनता है, ये जो पैसे की लागत है, ये जनता के पैसों से ये ब्रिज बनता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इस ब्रिज को हर 2 साल में अगर रिपेयरिंग को, जैसा हमने इनके अभी कर्मचारी से बात किया तो इन्होंने कहा कि इससे पहले जो नीचे क्रैक डाउन था, अभी बताया जा रहा है कि ऊपर से ये ब्रिज क्रैक हो रहा है। बोलने वाली बात यह है कि जो जनता का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, तो और जिन्होंने ये निर्णय लेके कॉन्ट्रैक्टर ने जो इस काम को स्टार्ट किया है, तो इस बात पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि काम को एक तरीके से क्यों नहीं किया जाता। अभी हम लोगों ने देखा कि मुंब्रा सिटी से अभी जस्ट हम आए, वहाँ इतना ट्रैफिक है कि आने जाने के लिए तकलीफ है। ये रमज़ान का महीना है, जहाँ हमने देखा दारुल फला से लेकर तो पूरे कब्रिस्तान तक की ये रोड बंद है, जिसके अंदर आने जाने वाली लोगों की आप सुविधा देख सकते हैं कि आने जाने वालों को किस तरीके से तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ लोग मुंबा देवी के लिए भी यहाँ पर आए थे, लेकिन ये रास्ता बंद होने की वजह से मुंबा देवी के अंदर भी लोग जा नहीं पा रहे। तो कहने वाली बात ये है कि जो शासन प्रशासन है और सरकार इस चीज़ पर निर्णय ले और संज्ञान ले कि कॉन्ट्रैक्टर कुछ इस तरीके पे मटेरियल यूज़ करने दिया जा रहा है। यानी 2 साल पहले इस ब्रिज का मरम्मत हुआ, 2020-21 में इसका पोजीशन खोला गया। अब देखने वाली बात है कि 2023 में फिर से इसका कॉन्ट्रैक्टर का वापस काम चल रहा है। यानी जो अमीर है वो अमीर हुआ जा रहा है, जो गरीब है, ये सरकार को ये समझना होगा कि ये जनता का पैसा है, ये ठीक जगह पर और सही तरीके से लगे। तो इसके अंदर एक आम जनता के नागरिक है, हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? बुधाजी भाई कहाँ रहते सर आप? रेती बंदर अपना। तो आपने देखा था कि कोरोना के दौरान में ये ब्रिज का मरम्मत हुआ था 2021 में, अभी 2 साल बाद पता चला कि ब्रिज क्रैक हुआ है, इसमें आपका क्या कहना है? वो अभी ये रोड अभी बंद है, अभी बराबर कल से बंद हो गया जी। तो अभी ये रोड का काम पूरा ठीक से होना मांगता है जी, बराबर जी। नहीं रहेगा तो अभी पब्लिक का पैसा जाता है, बराबर। तो वही मैं अपना रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई रोड बनाना है तो अच्छा बनाओ, नकर अभी ऐसा काम बनो गलत काम। कॉन्ट्रैक्टर तो अपनी मनमानी करते हैं, तो आप ये सरकार से आप क्या निवेदन करेंगे, क्या आग्रह करेंगे? अरे अच्छा रोड बनाएंगे, पब्लिक को सुखी से चले गए ऊपर बाईपास रोड, तो अपने को सबके लिए अच्छा है, बराबर जी। तो अभी जैसा कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रेक्टर, जैसा आप आओ ना जरा एक मिनट, जैसा आपने बोला ना कि अभी नीचे का डेमोलिश हुआ था तो ऊपर के जी, अरे तो आप बोल सकते हो ना, 2 शब्द नहीं बोल सकते आप? तो देखो, हमने इनके यहाँ के जो कॉन्ट्रेक्टर बेस के ऊपर जो लेबर क्लास है, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश करी। कॉन्ट्रेक्टर हो आप? हाँ, तो ये जॉब करते हैं, तो इनको ये सामने आकर अपने जवाब क्लियर करना नहीं चाहते, लेकिन हमारी ये समझ है कि सरकार को कहीं ना कहीं इस बात पर निर्णय लेने की आवश्यकता है कि अगर इस ब्रिज को हर 2 साल में रिपेयरिंग किया जाएगा तो ये जनता का पैसा है, तो ये जनता के पैसे को इस तरीके से वेस्ट ना करें, पैसों का दुरुपयोग ना करें। सरकार को कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की आवश्यकता है। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ की खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।